मेरी बात यह ना भाईजान, मैं नून लीग का हूँ, ठीक है ना, वो पीटीआई के, ये सियासत अपने घर बैठ के खाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, हमने अपने लिए करना है, आपस से लड़ाई ना करो, मिलो आपस से, चोटा पायो जफे पायो, न मरो ते न खपो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पब्लिक शो। तो आज का टॉपिक ये है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम आवाम की लड़ाइयाँ करवा करवा के अब थक चुके हैं। जितनी भी एपिसोड किए हैं हमने, आवाम के दिलों में हमने एक दूसरे के लिए जो नफ़रत देखी है, तो आज का इस टॉपिक के हवाले से हम कोशिश करेंगे हर बंदे को इस चीज़ के लिए मुत्तफ़िक करें कि वो लड़ाइयों को भूल के अपने बाहसियत कौम एक दूसरे के साथ रहें। सर, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? मैं पीटीआई को। नून लीग वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जितने भी आपके अजीज़ों वगैरह जो हमारे मुल्क में जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मैं इस तरह का मुखालफत, सियासत मुखालफत पर, मुखालफत पर यकीन नहीं रखता असल में। माशाल्लाह जी। सर, हमारा आज का टॉपिक यही था, हमने जोराबाद में 7 से 8 एपिसोड किए हैं और हमने लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती देखी है। हाँ जी। कि जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे ये बात स्टार्ट होती है, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल टॉपिक जो है ये एक अलग चीज़ है। अगर कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहा है, पीटीआई को कर रहा है, पीपल्स पार्टी को कर रहा है, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें इस वजह से आपस के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं करने चाहिए। कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि ये कि आप माशाल्लाह बंदे ही इसी ऐसे मुझे मिले हैं, आपने पहले ही मुझे बताया कि मैं मुखालफत क्या हामी ही नहीं हूँ, कौम को एक अच्छा सा पैगाम दे दें। मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सियासत की रिश्तों को ख़राब ना करें सियासत की वजह से। अपने ये तो अपने बहुत ज़्यादा बहुत करीबी होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं इंसान को, हम सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं उनको, और ऐसा कोई भी ऐसा काम ना करें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने रिश्तों को ज़्यादा अजीज़ रखें, सियासत आनी जानी चीज़ है, एक पार्टी आ रही है आज, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, लेकिन रिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे, रिश्ते कभी दूर नहीं होंगे आपसे। ना आटा थान मिला, ना चीनी मिली, साड़ी अजूतिया पैरिज कोई नहीं, आ मंगदे थंगदे वादे आधा आधा रुपये। अच्छा, ये आपस मिल के रमन, इतफाक न रमन, ए गल कर कि बेचा भाई, आपस से लड़ो ना, ना लड़ो नहीं, आपस से लड़ाई ना करो, मिलो आपस से, चोटा पायो जफे पायो, ना मरो ते ना खपो। बाबा जी कह रहे जी, तुसी जफियां पाओ आपस से, ईद आने वाली है, ते ए पॉलिटिकल टॉपिक चो निकल के ते तुसी आपस से प्यार ते मोहब्बत वंडो। मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी सोचो, पाकिस्तान के लिए सोचो, एक बैंक नफरत दिल में ना करो, ठीक है, जो पार्टी जैसे भी है ठीक है। अंकल, हमारी जो कौम है ना, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुकी है, आपस में लड़ रही है आवाम, आपस में ताल्लुकात ख़राब कर रही है सियासियों की वजह से। इस कौम को कोई पैगाम दें ताकि ये आपस में प्यार मोहब्बत पैदा करें, अपने रिलेशन ख़राब ना करें। हाँ, हमारा तो यही है भाई, कौम को भाई किसी से ना लड़ें, ये तो हुकूमत है, चलती आती जाती रहती है। पीटीआई वालों के लिए कोई पैगाम, जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम यही कुछ कह सकते हैं कि छोड़ दे आप पीटीआई को, पीटीआई किसी काम का नहीं रहा, एक रात में ही उतर गया है, इसने किया क्या है आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। अब ये नून लीग है, वो जीत गया, इंशाल्लाह हर हालत में जीत गया, जो मर्ज़ी हो जाए। और अगला इलेक्शन अगर नून लीग हार गई फिर क्या होगा? फिर जो होना है वो हो जाएगा। फिर जिस तरह आप पीटीआई वालों को छेड़ रहे हैं उसी तरह वो आपको छेड़ेंगे, ऐसे ही होगा? ऐसे तो नहीं होता, वो जीत गया तो वो चुप हो जाएंगे, वो सिर्फ जीत का जश्न मनाएंगे, मगर इंशाल्लाह हम इतने नहीं देंगे पीटीआई को, हम शेर को, नून लीग को इंशाल्लाह जिता के रहना, जो मर्जी हो जाए हम नून लीग को जिता के रहेंगे। ठीक है, मैंने अभी जोराबाद खुशाब में जितने एपिसोड किए हैं, पीटीआई की 90% आवाम है, जहाँ पे मुझे 10 में से 8 बंदे पीटीआई के मिले हैं, तो हालात तो मुश्किल हैं कि अगर आवाम पे बात आई और आवाम नून लीग को जीतने नहीं देगी। खैर, हमारा आज का टॉपिक ये है कि सर, पीटीआई और नून लीग या कोई भी पार्टी है, वो सारे हम हैं पाकिस्तानी,
हम आपस में बहस करके इस बात पे कि वो जीतेगा ये जीतेगा हम अपना रिलेशन ख़राब करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन इसीलिए किया था कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, तो आप देना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपका मौका यही होना चाहिए कि कोई किसी पार्टी से भी है, उसने, वो भी पाकिस्तानी है, आप भी पाकिस्तानी हैं, आप भी सही हैं, वो भी सही हैं, अगर कोई तीसरा बंदा बाहर से आएगा तो जाहिर बात है हम दोनों उसके खिलाफ खड़े होंगे, ठीक है। और अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो उसके खिलाफ खड़ा कौन होगा, आपस में तफरका फैलाने से बेहतर है कि हम आपस में इत्तेफाक करें और आपस में एक दूसरे को गलत ना कहें। अब पैगाम दें अपनी यूथ को, अपनी कौम को, ताकि ये जो आपकी सोच है वो भी थोड़ी सी चेंज हो और लोगों की सोच भी चेंज हो कि यार मिलजुल के रहें। हमारे लड़ने से कुछ भी नहीं होगा, एक दूसरे में लड़ जाएंगे, दुश्मनी पैदा हो जाएगी, हम एक जगह से गुजर भी नहीं सकेंगे दोनों, ऐसी बात है भाई, बिल्कुल इधर ही रहना है, यहीं खाना पीना है, यहीं रहना है, हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है हम आपस में लड़ रहे हैं, वो दोनों एक जगह पर बैठे हैं, सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, जो वो अपनी जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं हम अपनी जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। तनवीर भाई, आप नून लीग के सपोर्टर हैं और यहाँ से हमने PTI वालों को कॉल की है कि आपके साथ थोड़ी सी बहस हो जाए, लेकिन तनवीर भाई के साथ कोई बहस करने को रेडी नहीं है, तो वजह क्या है कि आपको नॉलेज है ज़्यादा? भाईजान मुझे ये बताएं कि 3.5 साल में PTI वालों ने किया क्या है, इमरान खान ने किया क्या मुल्क के लिए, जो मुझसे बहस करेंगे ये? बिल्कुल ये बताएं ना मुझे, 3.5 साल में ऐसा कौन सा काम किया जो हमें नजर आ रहा है? महंगाई PTI वालों को पैगाम दें कोई अच्छा सा, इनको क्या पैगाम दे रखो, इनको पैगाम मिल चुका है, अब ये बाहर हो चुके हैं, दोबारा नहीं ये आ सकते एक रात में ही। चलो मोहतरम, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मेरा जो टॉपिक है हम उस पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक ये था कि जितने भी PTI के सपोर्टर्स हैं, कि जितने भी नून लीग के सपोर्टर या किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हैं, हम उनको पैगाम ये देना चाह रहे हैं कि हम जितनी भी एपिसोड कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो आवाम का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी रिलेशंस जो हैं उनमें कमी आ रही है, ठीक है। तो क्या आपका ये मौक़ नहीं होना चाहिए कि मैं अगर PTI से हूँ तो मेरा अपना मौक़ है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं जिसे मर्ज़ी सपोर्ट करूँ, आप नून लीग हैं, मैं आपको नहीं कह सकता, आप जिसे मर्जी सपोर्ट करें, आप भी पाकिस्तानी हैं, तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को गलत कहेंगे ज़ाहिर बात है उस पर लड़ाई होगी तो रिलेशन ख़राब होगा। तो कौम को एक अब अच्छा सा मैसेज दें, जो भी आपके यहाँ पे दोस्त वगैरह हैं उनको भी अच्छा सा मैसेज दें कि लड़ाई झगड़े से का फ़ायदा नहीं है, हर बंदे की अपनी सोच है। मेरी बात यह है ना भाईजान, मैं नून लीग का हूँ, ठीक है ना, वो PTI के, ये सियासतदान अपने घर बैठ के खाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे हमने अपने लिए करना है, वो अपने साइड पर बैठे हैं, वो खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारा नहीं सोचते वो, कोई भी है PTI का कोई भी है, और हम आपस में लड़ते हैं, अगर बहस करें ज़्यादा बहस बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, आपकी भी इससे पहले अपने दोस्तों से अहबाब से बहस हो रही थी, तो आप उनको भी पैगाम दें और नेशन को भी पैगाम दें कि इससे थोड़ा बाज आएँ। मैंने पहले ही बताया कि ये सियासतदान अपने अपने साइड पर, हम आपस में लड़ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि मिलजुल के रहे वो अच्छी बात है। मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था, जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के में।